दोस्तों आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां से देखने को मिल जाता है एप्स ड्राइवर और उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है मैनेज एप्स कैटागरी की एक सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो इस सेटिंग को कैसे आप यूज करते हो, इस सेटिंग से क्या परिवर्तन पड़ता है और कहाँ पे परिवर्तन पड़ता है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और आखिरकार इस सेटिंग को कैसे आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस सेटिंग से क्या होता है वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इस होम स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है एप्स ड्राइवर एक सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो इस सेटिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है मैनेज एप्स कैटेगरी। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पे आप टॉप पर रख सकते हो, या दोस्तों आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। पर इसके अंदर परिवर्तन करने से हमें कहां पे दिखाई देगा और ये कहां पे परिवर्तन होगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो आपको यहां पे अपने मोबाइल फोन का यहां पे होम स्क्रीन निकाल लेना है, यानी कि यहां पे कट कर लेना है। कट करने के बाद यहां पे आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर एप्स ड्राइवर ऑप्शन ओपन कर लेना है। जैसे यहां से एरो देखने को मिलेगा, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। यहां से आपका एप्स ड्राइवर ओपन हो चुका है। यहां पे आपको देखने को मिल जाता है कैटेगरी, यहां पे देखने को मिल रहा होगा, यहां पे एंटरटेनमेंट, यहां पे फोटोग्राफी और यहां पे आपको शॉपिंग वाला कैटेगरी, यहां पे टूल्स वाला कैटेगरी, नॉलेज कैटेगरी, यानी कि यहां पे आपको बहुत सारा नॉलेज यानी कि एजुकेशन कैटेगरी देखने को मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पे आपके सारे के सारे शॉपिंग एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। टूल पे क्लिक करते हो तो यहां से आपके सारे टूल वाले एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। नॉलेज पे क्लिक करते हो तो यहां पे आपके सारे नॉलेज वाले एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। तो यहां पे ही आपका परिवर्तन पड़ेगा। तो यहां पे देखने को मिलेगा थ्री डॉट, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ से वो सेटिंग डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाती है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हो तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप उस पर क्लिक करके रखते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप इस कैटेगरी पर क्लिक करते हो, यहाँ से कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपका ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हमारा सबसे पहले एंटरटेनमेंट कैटेगरी देखने को मिले तो आपको इसको सबसे ऊपर टॉप पे कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि हमारे एप्स ड्राइवर के अंदर कोई भी कैटेगरी देखने को न मिले तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो। आपका कोई भी कैटेगरी आपके एप्स ड्राइवर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सेटिंग से यही होता है और यही परिवर्तन पड़ता है और यहां पे ही परिवर्तन पड़ता है एप्स ड्राइवर के अंदर। तो अपने हिसाब से यहां पे यूज कर सकते हो। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पूरा डिटेल्स में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।